एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अति पिछड़ा के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए, 50 की जगह 65% हो आरक्षण। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 50% की जगह 65% आरक्षण होना चाहिए। नीतीश कुमार सदन में उन्होंने ये बात कही है और आरक्षण के दायरा बढ़ाने की बात करते नजर आए हैं। 50% की जगह 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रकाश, क्या माना जाए, क्या मायने मुख्यमंत्री नीतीश के इस बयान के? देखिए, ये साफ हो गया जो मैं आज सुबह से कह रहा था कि इस जातिगत आधार जो गणना कराई गई है, इसका क्या है आगे उद्देश्य, क्या है अंतिम परिणति, क्या है? तो ये क्या आरक्षण की बात हो रही थी, आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी? तो जब ये बहस चल रही थी विधानसभा के अंदर में, तो उस वक्त जब मुख्यमंत्री कह रहे थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 50% से आरक्षण जो अभी है उसे बढ़ाकर 65% कर दी जाए, यानी 15% का इजाफा होगा, बढ़ोतरी की जाएगी आरक्षण में। जो अभी बिहार में EBC और OBC के अलावा SC ST को जो दिया गया है आरक्षण, उस आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया। 10% पहले से ही इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को ऑलरेडी मिल रहा है। तो यानी कि ये पूरा आरक्षण 65% और 10% बढ़ाकर 75% हो जाए और 25 फिर सामान्य वर्ग के लिए रह जाएगा। ऐसी राय उन्होंने दिया है, ऐसी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। तो जाहिर है कि ये सरकार की मंशा ये साफ हो गई है कि ये जो जातिगत आधार गणना कराई गई थी उसके पीछे उद्देश्य था कि आरक्षण को बढ़ाना और उसी के हिसाब से मंशा जो है इस सर्वे की वो यहाँ साफ होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका प्रकाश। आगे भी इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।